हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं हूँ शिखा कैसे हो आप सब लोग आई होप अच्छे हो हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि आपके लिए कुछ नया कुछ यूनिक सा लेकर आऊँ तो आज मैं पुट्टी से रिलेटेड कुछ डेकोर आइटम्स लेकर आई हूँ जिन्हें आपको भी बनाने में बहुत मजा आने वाला है तो आइए देखते हैं मैंने इन डी को कैसे बनाया है अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आगे मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे पास एक वुड का पुराना सा पीस रखा हुआ था तो आज मैं इसका यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका ऊपर का लेयर बहुत ही अनइवन है तो इस पर मैं वॉल पुट्टी का यूज़ करूँगी ताकि मुझे पेंट करने के लिए एक स्मूथ और इवन सरफेस मिल जाएगा मैंने वॉल पुट्टी में थोड़ा सा वाटर मिक्स किया है और उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बनाया है ये पेस्ट ज़्यादा वाटरी भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए अब इस पेस्ट की एक लेयर मैं वुड की स्लाइस पर लगा रही हूँ और उसके बाद इसे वाटर से इवन कर रही हूँ मैंने वॉल पुट्टी का दो लेयर लगाया था और उसे ड्राई होने रख दिया था ड्राई होने के बाद मैंने इस पर कलर किया है इस तरह आप कोई भी कलर शेड अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं ये कलर कंप्लीट होने के बाद मैंने इसकी साइड को हाईलाइट करने के लिए थोड़ा डार्क कलर किया है आप चाहे तो सेम कलर भी कर सकते हैं यहाँ मैंने स्टेंसिल का यूज़ किया है जो आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप पर इजीली मिल जाएंगे और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी यहाँ मैंने डेब डैप करके डिफरेंट डिफरेंट कलर से स्टेंसिल पर कलर किया है और फिर उसे रिमूव किया है तो इस तरह का इफ़ेक्ट मुझे मिला है इसी तरह से मैं यहाँ पे बर्ड का एक और स्टेंसिल बना रही हूँ और हाँ मैंने पहले भी वॉल पुट्टी से रिलेटेड कुछ और भी वीडियोस बनाए हैं अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं अब इसकी साइड्स पर मैं कुछ डिटेलिंग दे रही हूँ जिससे ये और भी ब्यूटीफुल लगेगा तो इस तरह से मैं बोथ साइडेड पे ये डिटेलिंग दे दूँगी आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज भी कर सकते हैं तो इस तरह से मेरा कलरिंग पार्ट फिनिश हो गया है अब मैं इसकी नेल पर ये रोप अटैच करूँगी ये जूट रोप है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी मैंने इसे नेल के दोनों साइड अटैच किया है ताकि मैं इसे हैंग कर सकूँ आप इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप इसे डेकोरेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप इस पर प्लांटर भी रख सकते हैं और आप चाहे तो दो तीन लेयर्स बनाकर उस पर अपना मंदिर भी डेकोरेट कर सकते हैं तो मेरे पास बस यही कुछ था जिससे मैंने इसे डेकोरेट किया है तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक नेक्स्ट डी में मैंने एक बेकरी बिस्किट का बॉक्स लिया है उसको मैं सीज़र की हेल्प से कट कर रही हूँ हमें इसे रेक्टेंगल शेप में कट करना है और उसके बाद इसका कोन शेप बनाना है जैसा हम मेहंदी का कोन बनाते हैं ना बस वैसा ही हमें करना है और फिर इसके लास्ट कॉर्नर को हमें टेप से क्लोज कर देना है ताकि ये ओपन ना हो पाए और उसके बाद इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हमें हटा देना है आप सोच रहे होंगे क्या मैं आपको कौन बनाना सिखा रही हूँ नहीं मैं आपको कुछ और बनाना सिखा रही हूँ अब देखते जाइए सेम मैंने वॉल पुट्टी लिया है और उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर मिक्स किया है इस बार हमें वॉल पुट्टी का डो इतना टाइट रखना है जिससे हम आटा गूँ सकें जैसा हम नॉर्मल घर में आटा गूँते हैं ना हमें वैसा ही डो रखना है और इसकी नीडिंग करते जाना है आप इस डो की जितनी नीडिंग करोगे ये उतना ही सॉफ्ट होता जाएगा और हमें इस सॉफ्ट डो से ही काम करना है अब मैं इसे बेल रही हूँ और अगर ये डो चिपकता है तो आप रोलिंग पिन पर थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं और हाँ हमने जो कोन बनाया था ना आप उस पर भी ऑयल लगा कर उसके बाद इस डो को पेस्ट कीजिएगा इसे वाटर से इवन कर दीजिएगा इसके नीचे की साइड में एक होल कर कर उसे ड्राई होने के लिए रख देंगे ये मेरा कोन ड्राई हो गया है तो अब मैंने इसमें से कोन निकाल दिया है बट ये अंदर से अभी भी अनइवन लग रहा है तो मैं फिर से वॉल पुट्टी का पेस्ट बनाऊंगी और उसको ब्रश की हेल्प से इसके अंदर पेस्ट करूंगी और ये पूरा पेस्ट करने के बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी और जो मैंने होल किया था उसको अपनी नेल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बिक कर लूँगी उसके बाद बाहर से मैं इसकी सरफेस को इवन करूँगी ये देखिए सरफेस इवन होने के बाद मैं इस पर कलरिंग स्टार्ट करूँगी इस पर मैंने फ्री हैंड कलरिंग किया है आप जैसा चाहे वैसा शेप बना सकते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैंने कुछ अन शेप्स बनाए हैं आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं अब मैंने एक शेप के ऊपर ग्रीन लीव्स बना दिए पेंटिंग नहीं आता है या जो ब्रश पकड़ना नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये बहुत एक ईजी आइडिया है और ये बनने के बाद दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है इस पर मैं दूरी दूरी पर कुछ डॉट्स कर रही हूँ और जो मैंने ग्रीन कलर किया था ना उसके ऊपर मैं कुछ लीव्स बना रही हूँ ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी क्रिएटिविटी इस पर कर सकते हैं और हाँ आप इस प्लांटर का शेप कुछ और भी रख सकते हैं आप इसे एज ए प्लांटर एज ए पैन होल्डर एज ए ब्रश होल्डर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे किचन में हैंग कर, कर अपने स्पूंस भी इसमें रख सकते हैं तो ये एक मल्टी यूज़र है तो आप भी इसे बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा और हाँ यह मैं आपको बताना भूल गई कि हम लास्ट में इस पर वार्निश कर देंगे ताकि एक लॉन्ग टाइम तक टिका रहे इतना करने के बाद मेरे पास थोड़ा सा वॉल पुट्टी बच गया था तो मैंने सोचा मैं इसे फेंकती नहीं हूँ इसका कुछ बना लेती हूँ तो मैंने इसका स्क्वायर शेक में एक नेक पीस बना लिया और इस तरह का एक पिन आता है वो मैंने इसके अंदर अटैच कर दिया यह पिन आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा तो उसके बाद मैंने उसे ड्राई करने रख दिया था और मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर कुछ ग्लास कलर ट्राई करती हूँ ताकि ये कुछ ट्रांसपेरेंट सा दिखे स्टार्टिंग में जब मैं इसे करने लगी थी तो मुझे नहीं पता था कि इसका रिज़ल्ट कैसा होगा बट एक टाइम बाद मुझे ये दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लग गया तो मुझे लगा मेरा एक्सपेरिमेंट कुछ काम कर गया और कुछ अच्छा सा बन गया तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा एट लास्ट मैंने इसमें चेन अटैच कर दिया और ये पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय